प्रयास करना, जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पड़े पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके एक बेलपत्र, बन सके पांच बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह हरा मुंह बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर एक बेलपत्र, हरा मुंह, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मुंह, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। दो या तीन प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। दो या तीन करोगे, बाबा करेगा। एक दिन शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, भगवान देव अधिदेव महादेव माँ जगतजननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण कर। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के, कार्य सिद्धि के, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते। कौन से दिन? प्रदोष। भगवान शंकर ने जब लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराया था, तब लक्ष्मी जी ने धन्यवाद दिया था शिव जी को, आप मुझे आदेश दो कि मैं आपकी सेवा क्या करूं। शंकर भगवान ने कहा मुझे सेवा की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी जी कहती है नहीं, आपने मुझे नारायण से मिलवा दिया, कुछ तो कहिए प्रभु। शंकर भगवान ने कहा जब प्रदोष काल हो, शाम का समय हो, उस समय पर बेलपत्री, पीपल और आंवले के नीचे लक्ष्मी तो कुछ देर के लिए विराजमान हो जाना। जो तेरे इन वृक्षों के नीचे शाम को दीप लगाने आए, उसके घर तो पीछे पीछे चली जाना, बस इतनी कृपा कर देना। जिसके जीवन में हमेशा कांटे ही मिले हैं, बेटी बड़ी हुई तो घर में मायके में दुख देखा, और मायके से गई ससुराल में तो ससुराल में दुख देखा, ससुराल में भी दुख देख के बाद में भी पति को बहुत कुछ काम खुलवाया, बहुत धंधे खुलवाए, नौकरी लगवाई, पर वो पति बार बार छोड़ कर आ गया, बार बार तकलीफ भोग रहा है, बार बार कष्ट भोग रहा है, फिर थोड़े दिन काम करता है, थोड़े दिन छूट जाता है, फिर व्यापार में बढ़ता है, फिर छूट जाता है, फिर कोई दुकान खुल गई, थोड़े दिन अच्छी चली, फिर वापिस वही घर पर आकर बैठ गया, अर्थात उसके जीवन में वो शूलता चल रही है। तो बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं ये तीन घड़ी, तीन पल, तीन नक्षत्र, तीन समय, तीन दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है उसके जीवन से मैं शूल हटा देता हूं। वो तीन दिन लिखे स्कंद पुराण में। महाराज बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में, बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हों, परेशान हो गए हों, कष्टमय जीवन जी रहे हों, बहुत दुखी हो गए हों, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले आप प्रेम से सुन लें। आओ, पहला बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के सात कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं। महाराज अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए,